लद्दाख हर एक बाइकर का सफर। लद्दाख उत्तर से काराकोरम रेंज और दक्षिण में ज़ंस्कार पर्वत से घिरा हुआ है, और इसी खूबसूरती को अपनी खुली हुई आंखों से निहारने के लिए हम निकल चुके कुछ साथी राइडर्स के साथ। वो कहते हैं ना, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाए। तो चले लद्दाख। ऐसे राक्षस की तरह दिख रहा हूँ यार तुम्हारे सामने। सही तो दिख रहा हूँ। हाँ नहीं भाई, इतना ह्यूज दिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो मैं नीचे खड़ी हूँ। बाहर निकाल लेते फिर। बाय बाय भी कैसे करूँगा ये लाइफ को। नहीं, फोटो निकालना है ना तुमको। पहले इसको बाहर निकालते हैं। इसमें हाँ इसमें दिखेगा नहीं एटलीस्ट। हाँ हाँ, एनी टाइम एनी टाइम। चलो बाय बाय, थैंक्स, थैंक यू सो मच। चलो जी, मिलते हैं जल्दी। सेम हियर, थैंक यू, बाय बाय, सी या। सो दोस्तों, कल आकर के रुका था जयपुर में, हमारी मित्र है पल्लवी। यार तुम्हारा इंस्टा हैंडल क्या है? पल्लवी सरन। मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो कीजिए। ये भी इनके पास भी अलग अलग तरीके के कंटेंट है, एंड शी इज टैलेंटेड और बहुत सारी चीजें कर रही है यार। तो एक बार जरूर से प्रोफाइल चेकआउट कीजिएगा, ब्लॉग में हो तुम। सो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हम लोग श्री जय माता दी या खुदा या अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। चले बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, तो पल्लवी की खातिरदारी जो थी यार, सुभान अल्लाह माशाल्लाह थी। ऐसे दोस्त हो ना तो फिर आप कहीं भी रुक जाओ, मजे ही मजे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा पल्लवी के यहाँ रुक करके। मतलब ऐसा लगा ना कि घर की तरह, बिल्कुल घर की तरह फील आया मेरे को। हम इंस्टा से बहुत पहले से कनेक्टेड थे, मुलाकात ये फर्स्ट टाइम हुई हमारी, लेकिन इस बंदी ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। ऐसा लगा था हम कितने पुराने दोस्त थे। सो बाकी सारे राइडर्स निकल चुके हैं, मैं अकेले है। पानी के लिए देखो मट्टी लगाया हुआ है, इतनी गर्मी है ना भाई। एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं हमेशा जब लद्दाख राइड करता हूं तो जयपुर के आसपास से गुजरता हूं या जयपुर में जाकर रुकता हूं, लेकिन इस साल जो आया हूं ना जयपुर और जो मैं निकला हूं, भाई साहब जो ट्रैफिक, मतलब अजीब ही हो गए हैं लोग यार। कैसे तरीके से चला रहे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, मतलब कितना भी आप हॉर्न बजाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि उनके बाप की रोड है, हम बस निकलेंगे, बाकी समझ सकते हो। सिटी से बाहर निकलते निकलते 12 बज गए यार, इतनी गर्मी है। कल मैं जब पहुंचा जयपुर और मैंने अपने टॉयलेटरीज निकाली जो बैग है भाई, उसमें मतलब ये स्थिति थी कि जितने भी मैंने क्रीम रखे हुए थे या फिर शैम्पू रखा हुआ था, सब मेल्ट हो गए थे भाई। सोचो किस लेवल की गर्मी पड़ रही है। जो मेरा हैशटैग है वो बीट द हीट। ये जो हाईवे दिख रहा है ना, ये सीधे दिल्ली जाएगा, लेकिन हमें दिल्ली जाना नहीं, हमें दिल्ली के बाहर बाहर निकलना है पूरा बाईपास होके। तो आई थिंक अलवर वाला जो रूट है ना वो लेना है हमें। देखते हैं गूगल माता हमें कौन से रूट पर घुसाती हैं। और ये भाई साहब घुस रहे हैं ऐसे ही, देखो मैं गलती से एक्सप्रेसवे वाले रूट पर घुस गया था, लेकिन समय रहते वक्त रहते हमें पता चल गया कि क्रॉस लगा हुआ है बाइक का। तो फिर मैंने वहाँ से मारा यू टर्न, फिर वापस आया सिटी के अंदर, और फिर दिल्ली जो जाने वाला पुराना वाला रास्ता था इसको लिया मैंने। तो बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, इस राइड पे खर्चे बहुत हो गए हैं। टायर चेंज करवाया 32,000 का, चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाया 18,000 का, बाकी लेबर चार्ज जो लगा सो लगा। राइड पर निकलने से पहले, एक दिन पहले, माइक का जो एडेप्टर है वो ख़राब हो गया, 4,500 का वो बिल बना। बाकी अपनी चेतक 2.0 तो पीती है, दिल खोल के पीती है पेट्रोल। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आराम से अभी मेरे को 24-25 की माइलेज निकाल के दे रही है भाई, तो नॉट बैड यार, नॉट बैड। ये जो जगह है ना, यहाँ पे लोग केला बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, तो उनको लोग खिलाते हैं यहाँ पे रुक करके।
देख रहे हैं क्या भैया, ट्रक पीछे में लगा दिए हो, छोड़ के चले गए हो। हाँ देख रहे हो भैया, रोड खाली खाली सन्नाटा, गर्मी के कारण भाई, गर्मी के कारण। ये देख रहे हो ये ग्लव्स का ये वाला फिंगर, मिडिल फिंगर वाला जो है ना वो फट गया है, और फट गया क्या मेरे लिए अच्छा हो गया, मोबाइल टच करना होता है तो मेरे को प्रॉपर मिल जाता है। ये अभी यूज़ कर रहा हूँ पुराना वाला ही, नया वाला है मेरे पास, वो गर्मी में हालत ख़राब कर देता है, तो उसको लद्दाख में यूज़ करेंगे उस ग्लव्स को। सो ऐसा मत सोचना कि मैं फटा हुआ ग्लव्स है मेरे पास, मेरे पास अच्छे ग्लव्स भी है, वो दिखेंगे लद्दाख जब राइड शुरू होगी कश्मीर के बाद। तो ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था हम निकले हैं जयपुर से, मोरथल जा रहे हैं, हैशटैग बीट द हीट वो चल रहा है भाई। मेरे दोस्त ने अफजल ने मेरे को बोला था कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बारे में बताना नहीं, सबको पता है गर्मी है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, रहा नहीं जा रहा है वो बता करके, क्योंकि सच में गर्मी नेक्स्ट लेवल पर है। मुंबई टू उदयपुर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी, और उदयपुर के बाद जो है ना बॉडी मतलब ऐसे जब विंडशील्ड ऊपर कर रहा हूँ ना ऐसे फपका मार रहा है, पूरा ऐसे फपका मार रहा है, ऐसे लग रहा है कि आग किसी ने फेंक दिया मुंह पे यार। 150 किलोमीटर राइड कंप्लीट कर लिया हमने, अब यहाँ से कुछ खाते हैं पीते हैं, और उसके बाद यहाँ से कोशिश करेंगे कि 100 या 75 किलोमीटर फिर से खींचे ताकि मोरथल के ढाबा पर पहुँचे और स्नैक्स वहाँ करें, और उसके बाद वहाँ स्टे ढूंढ करके वहीं रुक जाए। एक और चीज़ बता दूँ कि नितिन का थोड़ा सा इशू हुआ था, नितिन नहीं निकल पा रहा था किसी काम के चक्कर में मुंबई से, लेकिन किसी तरह से मैनेज करके वो निकल गया था। लेकिन भाई जैसे उदयपुर पहुंचा, उदयपुर के बाईपास से निकल रहा था नथद्वारा की तरफ, उसकी बाइक ब्रेकडाउन हो गई, हिमालयन ब्रेकडाउन हो गई, कुछ दिक्कत हुई, तो उसने लोकल मैकेनिक को दिखाया, उसने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया, मतलब बाइक हिल भी नहीं रही थी। तो फिर भाई ने टो करवाया वहाँ से, रॉयल एनफील्ड का जो नथद्वारा में सर्विस सेंटर है वहाँ लेके गया, और मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है रॉयल एनफील्ड नथद्वारा के जो लोग हैं ना, रात को 10:30 बजे तक, सोचो 6 बजे बंद हो जाता है सर्विस सेंटर, लेकिन वो बंदा मतलब बंदा कह रहे हो वो पूरी टीम 10:30-11 बजे तक रात तक लगी हुई थी उसकी बाइक ठीक करने में, लेकिन रात में चीज़ें कंप्लीट हुई नहीं, फिर ले जाकर उसको होटल दिलवाया, बार्गेन करवाया, सब चीज़ करवाया उन लोगों ने, और बोला कि आज बना करके कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक उदयपुर से जो पार्ट्स है उदयपुर से मंगा करके लगा करके आपको फ्री कर दिया जाएगा। अभी फ़ोन किया था, अभी टाइम हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, लेकिन भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, तो या तो उसकी कुछ मीटिंग थी ऑनलाइन कॉलेज को लेकर के तो उसमें लगा हुआ है, या फिर राइड शायद से शुरू हो गई होगा उसकी, फिंगर क्रॉस्ड है उसकी बाइक सही हो जाए। बाकी चलिए कुछ खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं, कुछ अपडेट अगर हुआ नितिन के बारे में, कुछ अपडेट मिला तो आपको ज़रूर से ब्लॉग में बताएंगे। हाँ वीडियो महाराष्ट्र के हो ना? हाँ मुंबई। कितने कह रहे? 5 6 ठीक है। हाँ तो 4 लाख के जो चेक हो रहे तो वो ट्रैक्टर की समझ ले, चलो भैया बाय बाय। तो ये है भैया, चेतक को प्यार मिलता है, पब्लिक का जो मिलता है ना, सब पूछते कितने की है, कितने के माइलेज है, ये ज़रूर पूछते हैं लोग कि माइलेज क्या देती है, चढ़ पाएंगे क्या, ना रिस्की है इधर चढ़ना। हाँ जी, तो यारो एक और स्टॉप ले लिया है, सोचा कि चेतक को थोड़ा ठंडा किया जाए, लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास खींच लिया है, तो यहाँ पे जो रोड है ना बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है, तो टायर में इशू ना आए इसलिए रोक रोक करके चल रहे हैं। मुझे पता है कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ऑन सेफर साइड, अभी राइड बहुत लंबी है, अभी तो आज 3rd डे है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत आए, इसलिए आराम आराम से रुक रुक कर चल रहे हैं, क्योंकि सच बता रहा हूँ हैशटैग बीट द हीट सच में चल रहा है, बीट द हीट चल ही रहा है। और अभी यहाँ रुक गया था मैं, भैया से बनवा रहा हूँ
क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं सर, सोडा, सोडा सिकंजी, सोडा सिकंजी बनवा रहा हूँ भैया से। तो ठंडा पीना ज़रूरी है, अपने को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है और पेट को ठंडा रखना भी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं। चेतक को उधर कर दिया हाइड्रेट होने के लिए, ठंड में खड़ा कर दिया कि आराम से खड़ा रहे, थोड़ा ठंडा हो जाए, और ख़ुद को ठंडा कर रहा हूँ ये पे करके। ठीक है चलिए फटाफट पीते हैं, फिर चेतक बैठते हैं और निकलते हैं। हाँ जी, तो मित्रों अभी क्या हुआ है कि ये जो रोड है सीधे दिल्ली चला जाता है, तो अभी हम एक्सप्रेस वे ले रहे हैं जो कि सीधे झज्जर निकलेगा, और ये है झज्जर या कुंडली, कुंडली करके एक जगह वहाँ निकलेगा। अब इस पे अलाउ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, चलते हैं आगे, टोल बोथ है पता चल जाएगा वहाँ पे कुंडली। और जो मेरे साथ राइडर्स, जो लोग मेरे साथ कल उदयपुर से जयपुर तक आए थे ना, वो लोग भी चल रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। मैं इस वाले एक्सप्रेसवे पे हूँ, बिल्कुल पैरेलल एक्सप्रेसवे पे, जो कि रेवाड़ी वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पे वो लोग हैं। तो शायद से हमारी मुलाकात हो जाएगी रेवाड़ी झज्जर में, क्योंकि झज्जर में वो वाला एक्सप्रेसवे और ये वाला एक्सप्रेसवे जाके दोनों मैच हो जाता है। MP दादा, भैया एक मिनट दो, बाइक अलाउ है इस पे? मेरे को वो मूर्थल, हाँ थैंक यू। फिंगर क्रॉस्ड है, भैया ने बोल तो दिया कि चले जाओ, चेकिंग वेकिंग नहीं है, वैसे अलाउ तो नहीं है लेकिन चेकिंग वेकिंग नहीं है अभी, तो आप चले जाओ। तो इन लोगों को पता रहता है ना चेकिंग चल रही है कि नहीं। चलो अपने पास रिकॉर्ड है भैया, कोई रोकेगा तो मैं बोलूँगा भैया मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कि चले जाओ। आइए, जय हिंद सर जी। आपका जो काम खत्म ना होता क्या? हाँ सर, क्या बोल रहे सर? ये काम खत्म ना हो रहा है क्या? ये काम मतलब ये काम मतलब राइडिंग लद्दाख जा रहा हूँ ना। ये मेरे को एक चीज बताइए, ये सोनीपत जाएगा सीधे? सीधा कुंडली है। कुंडली, अब पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? कि पेट्रोल पंप भी मेरे को पूरा ब्लिंक करने लगा है। ये कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर होगा इसमें, अभी 2 लीटर ही बचा हुआ है इसके, क्योंकि ब्लिंक कर रहा है। पहुँचेगी इस पे कहीं नहीं है क्या पेट्रोल पंप? इस पे था कि वहाँ है। कहाँ पे? कुंडली। कुंडली यानी क्या होगा? कुंडली कितना है? 35 बच गया, 35 में 7 है, 28-30 किलोमीटर आगे है। 28 किलोमीटर, हाँ तो उतना चला जाएगा। 35 किलोमीटर का है तेल? हाँ उतना जाएगा, उतना चला जाएगा, कुंडली में जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। जनाब बोल रहे हैं कि ये ख़त्म कब होगा? बोले क्या तो यही मैंने बोला कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, ख़त्म कैसे होगा? फिर मैंने उनसे पूछा कि पेट्रोल का, क्योंकि मेरा पूरा ब्लिंक कर रहा है। और झपकी आ रही है यार, इतनी गर्मी है और 5:19 टाइम हो रहा है और झपकी आ रही थी। अच्छा है कि ये सर ने मुझे रोक दिया, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया मैं उनसे बात करके। तो अभी कुंडली में पेट्रोल पंप है, इस वाले हाईवे पे चढ़ोगे तो पेट्रोल पंप है ही नहीं भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा। मैं जब चढ़ा तो मेरे को 2 डंडे दिखा रहा था मस्त, और जैसे बीच में आया ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो आराम से चलेंगे अभी इस पे, ब्लिंक करने के बाद भी इसके अंदर 7 लीटर के आसपास पेट्रोल रहता है, तो पूरा जो ये स्ट्रेच है 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो आराम से 4 लीटर में अपना काम हो जाएगा। धन्यवाद पुनः, आपका आगमन प्रार्थनीय है। थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। बाइकर्स के लिए कर दोगे तब ना विजिट करेंगे, आप तो सिर्फ कार वालों के लिए रखे हो। थोड़े दिन में यहाँ भी बैन हो जाएगा, अपने को चलना है लेफ्ट साइड में अम्बाला पानीपत वाले रूट पे। ये था वेलकम टू वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, ईस्टर्न नहीं था वेस्टर्न था, एक ईस्टर्न पेरिफेरल है एक वेस्टर्न पेरिफेरल है, जो मुझे आज पता चला।
एक साल बाद इन सड़कों पे फिर से आ गए अपने चेतक 2.0 को लेके। मुरथल 11 किलोमीटर और यही रास्ता सीधे चला जाएगा हमको कश्मीर लेके। छोजी फाइनली वी रीच्ड पहलवान ढाबा। बाइक कहाँ पार्क कर भैया? गुड मॉर्निंग। देखो भैया ये देखो आ गए लो। हेलो सुदीप, राइट? सुदीप, अनिल। अच्छा मुझे लगा चप्पल नहीं पहने हो आप। कैसी रही राइड आप दोनों की? सो गाइस बाकी सारे राइडर्स भी आ रहे हैं, आते हैं तो फिर चाय वाय पियेंगे, फिर देखते हैं रूम का कैसे क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं सीधे रूम पे। शांत, महेंद्र भाई बोल सकते हैं, सुनील, करण फ्रॉम नैनीताल, क्या लड़ने वाले हो क्या दोनों फाइट करने वाले हो? कमान।